अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो ये वाली वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि अनॉनिमस भैया प्लीज़ रैंडम में जाके खेलो, रैंडम स्क्वाड का रिएक्शन देखना है और रैंडम्स के साथ खेलो। तो गाइस इसमें लाइक इस वाले मैच में अनॉनिमस की पब्लिक मैं गया था रैंडम स्क्वाड में और ये वाला गेम प्ले मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं ऐसे ये वाला सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा और रैंडम स्क्वाड खेलेंगे हम लोग। तो मुझे कमेंट्स में बताना, उससे पहले आप हैंड फ्री लगा लेना क्योंकि आपको पता है अब लाइक मैं जाऊंगा ना तो एकदम से अचानक से कोई देखे तो फिर मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हैंड फ्री लगा लो और चलो देखते हैं रिएक्शन क्या होने वाला है हमारे भाई लोग का। बाकी लाइक ठोक दो गाइस, सबके सब लाइक बटन ठोक दो। हम बिल्कुल ठीक है यार, वीडियो बनानी है यार। यार बाबूजी मैं टीम लीव कर रहा हूं, इनवाइट करी वीडियो तू जा, तू ये बुलाएंगे नहीं यार, इधर चल निकल। नहीं 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 नहीं, दस्ती बुलाएंगे, दस्ती बुलाएंगे, मैं भी बना लूंगा भाई। सारे बारी बारी कर लेते हैं ना, सारे बारी बारी कर लेते हैं, चलो एक ही बना लेते हैं ना। हां गेम खेलनी तो कैसे आओ भाई, रेडी करो भाई साहब, ओ भाई साहब भाई रेडी से लगा ले। मेरे हाथ कहां पर है अल्लाह की कसम, ओ भाई ओ भाई फेवरेट प्लेयर, मेरे हाथ भाई मारो मारो भाई। तो अनॉनिमस की पब्लिक यहाँ पे आपने रिएक्शन देखा और मैं बात कर रहा था एक्चुअली, लेकिन मेरा जो वॉइस होता है ना वो गेम प्ले में रिकॉर्ड नहीं होता तो इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आई। तो भाई लोग बोल रहे थे एक एक करके लॉबी में वीडियो बनाएंगे, मैं बोला भाई एकदम रुको एक, मतलब क्या हो गया, हम लोग खेलने लगे हैं, मतलब रेडी करो। तो भाई लोग बहुत खुश हुए और जो नेचर के थे वो भी बहुत अच्छे थे यार तीनों, लाइक मुझे वाकई में सच में बहुत अच्छा लगा साथ खेल के। वरना आपको पता है रैंडम में जाऊँ ना बहुत से टॉक्सिक लोग मिल जाते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, और लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मज़ा आया इन लोग साथ खेल के। बाकी मैं इंशाल्लाह ऐसे ना हफ्ते में एक वीडियो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा प्यार दिखाया तो हफ्ते में ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे रैंडम स्क्वाड ज्वाइन करने वाली। तो ये हमारा एपिसोड 1 होने वाला है, इसका प्यार देख के हम डिसाइड करेंगे कि एपिसोड 2 आएगा या नहीं आएगा। तो शेयर वेयर करना सबके सब। और गाइस उसके बाद ना हमारे एक भाई इनमें से मर जाएंगे, नाम हम उनको उनका अभी नहीं बताने वाले आपको, आपको आगे जाकर पता चलेगा। और उनका फिर मैंने बड़ा तंग किया अपने स्टाइल में, आपको पता नॉनवेज तंग करता है, मैंने उस भाई को बड़ा तंग किया जो मर गए थे। तो गाइस इन लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया, प्लेन जो जा रहा था ना वो जा रहा था एकदम पचिंकी के ऊपर से, जॉर्जो मतलब एक दो हॉट ड्रॉप बने हुए थे, पचिंकी भी पास में था और जॉर्जो भी पास में था, रॉजॉक वगैरह काफ़ी, लेकिन मतलब हॉट ड्रॉप जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था जॉर्जो पुल। अब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी सीरीज़ लाइक का पहला एपिसोड है तो मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी थी, और आपको सच बात पता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था गेम प्ले बनाने का। ये बस रात काफ़ी हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जुम्मे को छुट्टी करूँगा, बट मैंने कहा नहीं अनॉनिमस की पब्लिक वेट करी होगी बता देते हैं। तो आज वाला गेम प्ले मैंने बड़ी रात को बनाया, कोई 3-4 बज रहे थे रात के जब मैं ये वाला गेम खेल रहा था। और अनॉनिमस की पब्लिक कल जो है ना हफ्ता है और इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाला हूँ, कल वीडियो नहीं आएगी, लेकिन कल और परसों दो दिन मेहनत करके संडे वाले दिन, कल तो हफ्ता हो जाएगा और संडे वाले दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कालिया का 5th पार्ट। और मैं ट्राई करूँगा उसमें कोई अच्छी सी स्टोरी लेके आऊँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आए। तो कल वीडियो नहीं आएगी सबके सब, मतलब वेट नहीं करना प्लीज़। और इतवार वाले दिन यानी संडे को आएगा कालिया का पार्ट 5, मज़े की स्टोरी बनाएंगे। तो आ गए थे हम जॉर्जो सिटी, मेरा इरादा था जॉर्जो सिटी क्लियर करके जॉर्जो पुल रश करने का, सोलो बंदा आया, आयरन साइड से कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, बट पिचुक पिचुक हमने मार के उसको थोड़ा बहुत डैमेज लिया बाबा जी, और नीचे जाके फिलहाल लूट करेंगे। और मैं यहाँ पे फुल मतलब तरीके से इन लोगों के साथ खेला, लाइक मैं भाई लोगों को कॉल दे रहा था और ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, तो हमने कैसे कॉल दे के मैच निकाला वो मैं आपको बताऊँगा। जब एक से ज़्यादा स्क्वाड हो तो आप कैसे बच सकते हो, हम लोग उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। तो बाबा जी छत पर आ गए थे M16 लेके, कोई अच्छी लूट नहीं थी, हेलमेट भी नहीं था, ये भाई सब रश कर रहे थे, इनको तो हमने डाउन किया और इनको हमारे टीममेट कर देंगे फिनिश। अब जॉर्ज में गए ना पता नहीं कितने स्क्वाड, बट जॉर्ज की सिटी में जॉर्ज से ज़्यादा स्क्वाड आए हुए थे, 3 से 4 स्क्वाड जॉर्ज पुल आए थे। गोल्डन हाउस में अलग थे वो, सामने 3 स्टोरी में भी बंदे थे, हमारी सामने वाली बिल्डिंग, हमारी लेफ्ट वाली बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। तो
तो ये भाई जो थे ये हमारे टीममेट को मार रहे थे, इनको हमने अभी डाउन किया, काफी लो कर दिया। ये ब्लीड आउट हो जाएंगे आई गेस। ओके सॉरी नहीं होंगे। ओके हो गए या नहीं हुए पता नहीं, बट हाँ लाइक उनका किला में मिल गया था। यहाँ पे गैस मेरे पास हेलमेट नहीं होता, आपने देखा मैंने पीक दी और उस भाई ने जेएमपी से मुझे डाउन कर दिया। वो ऑलमोस्ट नॉक था लेकिन मेरा हेलमेट ना होने की वजह से ना एक दो हेडशॉट पड़ा होगा और हमारी बैंड बच गई और हमारी दुम हिल दिया। देखो रिवाइव होते हुए गैस, नोट किया आपने कैसे हिल रहा है कोट? ढिचुक ढिचुक ढिचुक। और भाई का प्यार देखो, भाई ने हेलमेट गिरा दिया लेकिन मैंने बोला भाई ये आपका प्यार है, बस आप हेलमेट उठा लो, आप यूज़ करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद गैस अब बंदे जो थे ना राइट वालों को हमने एकदम इग्नोर मारा। अब जो हमारी साइड में है ना, अब जो राइट में है वो एकदम लास्ट में, आप देख रहे हो थ्री जो गोल्डन हाउस हैं आखिरी वाले, वहाँ पे बंदे जा चुके थे। तो मैंने अपने भाई लोगों को बोला कि देखो वो हैं गोल्डन हाउस में राइट वाले, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं बड़ी बिल्डिंग जस्ट उनके सामने ताकि हम थोड़ा हाइट पर हो जाएं और हमें अच्छे से एंगल मिले उन बंदों का। तो हम भाग कर आ गए थे उनके सामने वाली बिल्डिंग में, और छत पर जाएंगे ना तो हमें अच्छे से एंगल मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कैसे हमने उन बंदों को दो साइड से घेरा, घेर के इन लोगों को डाउन किया। ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं, मैं यहाँ पर आ गया, वो लोग भी यहाँ सामने घूम रहे। बॉट था तो मैंने बॉट को नहीं मारा, उसकी वजह आपको पता है बॉट जब है ना वो अचानक से आपकी हेल्प कर देता है, तो बॉट को नहीं मारा, बॉट का किल छोड़ दिया। अब ये बंदे यहाँ पे सामने टीपी ले रहे हैं, तीन बंदे बचे थे ये आई गेस, ये पता नहीं चार थे, बट सामने ले रहे थे टीपी। तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को मार्क करके बताया, वो सामने अपने देखा मैंने मार्क लगाया था कि मेरे आप लोग प्लीज़ दो यहाँ से चले जाओ और हम दो यहाँ से मतलब लेफ्ट से जाएंगे, आप लोग घूम के वॉल के पास से जाओ क्योंकि ये लोग एक लाइक ट्राइंगल में फंस जाएंगे और फिर हम इनकी बैंड बजा देंगे, आप वहाँ से एंगल लो हम यहाँ से मारेंगे। तो ये भाई स्मोक करके जा रहे थे, यहाँ से भागने की कोशिश हो रही थी। अब मैंने यहाँ पे दो को डाउन किया गाइस, बाकी मेरे जो टीममेट कॉल फॉलो करके राइट पे गए थे, वो देखो आप राइट पे घूम रहे, उन्होंने इनके बाकी टीममेट्स को एक अलग एंगल लेके मार दिया। तो यहाँ पे बाबा जी ये वाला स्क्वाड वाइप हो गया, अकल इस्तेमाल करते हुए, टीम वर्क करते हुए। लेकिन मज़े की बात अभी और भी बंदे थे यहाँ पे, और आपको मज़े की बात एक और बताऊँ, यहाँ पे बंदे मरे। आप मेरी लूट देख सकते हो, कोई हीलिंग नहीं है, वेस्ट बन की है, हेलमेट नहीं है, गन में एमो नहीं है। और मैं जब लूट करने जा रहा था मैं बोला भाई मेरे पास लूट नहीं है रुक जाओ, और भाई लोग बताऊँ क्या बोले, अनोनिमस भाई आप ही बोलते हो लूट करने में मजाक, तो लूट नहीं मिलने वाली है क्या? वाह मतलब नहीं मतलब क्या मेरा लॉ मुझ पर भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो गैस लूट की, उसके बाद अभी एक टीम और बची हुई थी जॉर्जो और दूसरी जॉर्जो के मतलब यहाँ पे घरों पे, और दूसरी टीम जॉर्जो पुल से गाड़ी लेके आ जाती है हम पे रश करने के लिए। तो मतलब अब हमारे अलावा यहाँ पे दो स्क्वाड और बच जाते हैं, वो आप गाड़ी देख रहे हो ये अभी जॉर्जो पुल से आई है यहाँ पे, वहाँ पे मारने के बाद ये लोग सीधा आ गए थे सिटी में रश करने के लिए। तो मैंने पेन किलर मार ली और अब जब लेफ्ट से चली गोलियाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्क्वाड है। तो मैं भाई लोगों को बोला देखो भाई बहादुरी अपनी जगह लेकिन अकल भी कोई चीज़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं वापस जाएंगे बड़ी बिल्डिंग में, क्योंकि आपको पता है बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें से ना पूरी सिटी का एंगल मिलता है। तो मैं चाहता था कि भाई हम लोग चिकन निकालें, और इतनी रात को जब मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले ट्राई कर रहा हूँ तो पहली ट्राई में बन जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था हम लोग मर जाएं। तो मैं भाई लोग को बोला भाई आप बड़ी बिल्डिंग में आ जाओ, यहाँ से एंगल लेके यहाँ से बैंड बजाएंगे एनिमीज़ की। तो हम आ गए वापस से इस बिल्डिंग में बाबा जी। अब यहाँ आने के बाद गए सामने बंदे नाच रहे थे, इन्होंने क्या फाइट लेके लेफ्ट वाले स्क्वाड को मार दिया। अब ये पूरा जॉर्ज पुल से आया हुआ स्क्वाड बचा था और इसने क्या गंदा स्प्रे दे के मेरे छत वाले टीममेट को किया डाउन। अरबी थे ये, और आपको पता है अरबियों से मुझे वैसे ही थोड़ा थोड़ा डर लगता है, आप लोगों को भी लगता है, आई नो मुझे भी लगता है, क्योंकि इनका बहुत से पिंग इशू होता है, बहुत से गड़बड़ करके खेल रहे होते हैं, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा खेल खेल के, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत डर लगता है इन लोगों से। तो यहाँ पे मेरे टीममेट को डाउन किया, बड़ा गंदा स्प्रे दे के मैं यहाँ पे रिवाइव करूँगा। और वो बंदे सामने अब हम पे रश करने की तैयारी कर रहे थे, बड़े स्टाइल से खेल रहे थे गाइज वो। अब उनका एक बंदा बिल्कुल चुप करके एकदम घूम के एकदम दूर से घूम के हमारी सात वाली बड़ी बिल्डिंग में आने वाला है, एकदम जो आखिरी बिल्डिंग है ना बड़ी वाली तीसरी उसमें आने वाला है। सामने वॉल पे बंदा टीपी ले रहा था, नेट निकाला बाबा जी थैंक और टक करके बम में फटा, बम जाके भाई के भाई हो गया हमारे डाउन। अब वो बंदा साइड से मार रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि वो मार कहाँ से रहा, क्योंकि मैं एकदम दूर था। उसने नॉक एंड फिनिश कर दिया एक टीममेट को, ये इन्हीं का टीममेट था जो गाइस दूर से। अब आपको देख लो गाड़ी कहाँ खड़ी है, पहले बॉट का किल चुराते हैं, आपको देख लो इनकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी, वहाँ से घूम के ये बंदा बड़ी वाली बिल्डिंग में कब आया हमें पता नहीं चला। और यहाँ जॉन भैया, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, उनका बैंड बज चुका है। और फिर मैं भाई को बड़ा ना तंग कर रहा था, मैं बताऊँगा कैसे तंग कर रहा था। यहाँ पे रिवाइव दिया और फिर जितने भी बंदे थे भाई लूट की। आपको पता है जब समटाइम ना ऐसा होता है, एक मैच ऐसा जाता है कि हमारे पास लूट नहीं होती और हम जिंदा बच जाते हैं, और उसके बाद जो एनिमीज से लूट मिलती है हमारा बैग भर जाता है, और इस मैच में कुछ ऐसे ही हुआ था। फिर हमने जॉन भैया को टंग करना था, वो टंग कैसे किया, हमने पहले गाड़ी उठाई, फिर सब टीममेट्स को बोला भाई आ जाओ चलते हैं जोन में जाना, थोड़े बहुत किल्स भी निकालने हैं। तो दोनों टीममेट्स को बिठाया,
और फिर जब बैठ गए तो मैं गाड़ी रोक के बोला था जॉन भैया आ जाओ चले, जॉन भैया आ जाओ चले, और जॉन भैया कहते भाई मैं तो मर गया। तो मतलब मैं कुछ ऐसे करके देखो मैं रुका हूँ ना, यहाँ मैं बोला था जॉन भाई आ जाओ चले, जॉन भाई जल्दी आओ ओपन में बंदे मार देंगे, तो कुछ ऐसे करके मैं तंग कर रहा था और सारे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो हमारे जॉन भैया को मैं बड़ा तंग किया स्मैच में। फिर गैस हमने यहाँ से निकलने का फैसला किया, आगे रेड जोन होता है तो रेड जोन से जाने का रिस्क नहीं लिया, एकदम घूम के मैं लेफ्ट राइट से गाड़ी निकाली और थोड़ा आगे जाके हमें नज़र आया ड्रॉप। अब गाइस जब ऐसे ड्रॉप ओपन में हो ना तो कभी भी डायरेक्ट ड्रॉप पे आप मत रोक लो गाड़ी। अब आप देख सकते हो लेफ्ट पे ये हाइट पे जो पहाड़ हैं, पहले मैं यहाँ जाकर रोकूंगा, फिर हम यहाँ से अच्छे से एंगल लेंगे कि नज़र आए बंदे आ तो नहीं रहे, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, लैग वैग तो नहीं हो रहा। आपको पता है पाकिस्तानी जुगाड़ है कि जब लैग होता है हम समझ जाते हैं बंदे आ रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे थे कि बंदे वंदे तो नहीं आ रहे, एकदम एंगल देखा दूर दूर से कोई लैग वैग नहीं है, फ्लेयर भी चली थी तो फिर मतलब ड्रॉप एकदम ओपन में है लेकिन कोई गाड़ी नहीं थी, और हमें फ्लेयर पे भी रश करना था। थोड़ी देर देखने के बाद मैं भाई लोग को बोला कि भाई देखो मैं नहीं लूट रहा, आप लोग लूटो ड्रॉप, मैं गाड़ी रोकूंगा, जल्दी से लूटना और फौरन से हम लोग निकल लेंगे, टक से निकल लेंगे वरना बैंड बज जाएगी हमारी। गाड़ी में बैठे यही प्लान था कि जाके रोकूंगा, जल्दी से लूटेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो वैसा ही हुआ, हमने गाड़ी की लगाई ब्रेक, भाई लोग हमारे जल्दी से उतरे और ये जल्दी जल्दी लूट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो आज यहाँ पे इस बंदे को हमने किया फिनिश और अब आगे रश करने का टाइम था, लेकिन आप देख सकते हो कि बिल्कुल सामने थोड़ा ओपन एरिया है जहाँ से जाना सेफ नहीं होगा। तो मैं पहले जा रहा था बट फिर मुझे याद आया कि नॉनवेज भैया ये ना आपके साथ वो ओ, 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 ओ वो वाला सीन हो जाए, तो फिर मैं टीममेट्स को बोला भाई साथ आ जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़। फिर हम एम करके भाग रहे हैं और आगे एक स्नेक, पबजी का जहरीला स्नेक, दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक पबजी में पाया जाता है, हमारा वेट कर रहा है आगे। गैस करो गैस कहाँ पर है देखो और फिर कॉमेंट करके बताना, देख लिया तो ऐसी गंदी गंदी कैंपिंग हो रही थी ना, स्नेक भैया स्नेक बने हुए थे, जान निकाल दी हमारी सच में गाइस, मैं एकदम जान निकल गई थी। जब आप ऐसे घबरा जाओ जंप करो, फिर आपको शायद इतना टाइम मिल जाए कि आप फौरन से जंप करके घूम के उसको मार सको। तो मैंने ऐसे ही किया, जब उसने स्प्रे किया जंप किया ताकि उसका एम ख़राब हो, और इतना ही टाइम होता है आपको देखने का बंदा कहाँ से मार रहा है, फ़ौरन से घूम के उसकी बैंड बजा दो बाबा जी। हमने ऐसे ही किया, उसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फजर की अजानें हो गई थी गाइस और मैंने ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रोक दी है, अब जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ एडिटिंग, बहुत टाइम हो गया आज। तो ड्रॉप लूट चुका था, भूखे नंगे टीममेट्स हमारे ड्रॉप उठा चुके थे लेकिन अभी भी बंदे थे बाकी। और मज़े की बात, अभी एक और स्क्वाड यहाँ पे आने वाला है गाइस। तो पहले मैंने यहाँ पे आखिरी बंदा इनका देखा, यहाँ मिल नहीं रहा था। ड्रॉप है ना, ड्रॉप पे आपको पता है कि वो देखो गाइस, मुझे लगा क्रेट है लेकिन भैया हमारे यहाँ लेट के स्नेक बने हुए थे, स्नेक स्नेक स्नेक, लेकिन कि हमने बैंड बजाई। अब इतनी देर में डार्चा का साउंड आता है और एक अलग स्क्वाड आ चुका है और गली में मुर्गा दे रहा है अजान को कड़ूं कड़ूं। उसके बाद गाइस यहाँ पे जब अलग स्क्वाड आता है तो हमारी बैंड बज जाती है, सामने बंदे नज़र आए पर अभी हम लोग एकदम से फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एंगल है हमारे ऊपर लेने के लिए, अलग अलग एंगल से मार सकते हैं वो। अब हमने क्या डिसाइड किया कि एक साइड से सब रश करेंगे, हमने एक साइड से रश किया तो ये हमारे हमज़ा भैया M249 वाले को नॉक इन फिनिश किया। अब गाइस क्या सीन था कि इनका आखिरी बंदा बचा था जो कि गिली सूट में है, सांप बना हुआ है और उसके पास ग्रोज़ा है। अभी उसने यहाँ से कहीं से मारा, हमें नज़र नहीं आया, जम करके देखने का ट्राई किया और वो बिल्कुल स्पॉट नहीं हो रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, सांप बना हुआ वो भी गिली सूट पहन के। बाबा जी देखो यहाँ पे कोई कहीं पे स्पॉट नहीं हो रहा था, पहले ये टेबल थी मुझे लगा बंदा है बट हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई यहाँ पे। कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, बाबा जी टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छे के लोग नाड़ा। और मैं बहुत कम नहीं बोलने लग गया डायलॉग ये वाला है ना गाइस, साथ में बोलते हैं चलो 1 2 3 गो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। तो ऐसे स्प्रे मार के देख रहा था कि कहाँ पर है, उसके बाद मेरी अकल ने काम किया। जो मैप अब ज़्यादा खेल तो गाइस उसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अब जो राइट पे पत्थर है ना, मुझे पता है कि इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, अगर आप लोग रेंगल ज़्यादा खेलते हो आपको भी ये बात तो पता होगी। तो मैं एकदम नीचे से आया ताकि उस बंदे को पता ना चले मैं रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे चुप करके रोटेट करो, एंगल लो और मार दो। जैसे आपने देखा उस बंदे ने जॉर्जो की सिटी में लिया था आखिरी बंदे ने, तो ऐसे ही भाई हमें स्पॉट हो जाते हैं और हमने यहाँ पे इनको डाउन किया। ये हमारे पाकिस्तानी भाई थे,
उसके बाद गाइस लूट की हमने, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, लॉ ऑफ एनोनिमस। और हमने फिर लूट की ग्रोजर उठा ली थी मैंने, यहाँ पे जोन भी आ गया था गाइस, हमें यहाँ से निकलना था। उसके बाद हमने फिर से जॉन भैया को तंग किया, बैठ गए गाड़ी में। और ये देखो गाइस हमारे भूखे नंगे टीममेट, सबके टीममेट ऐसे होते हैं, जाने के लिए रेडी हैं, टाइम इतना हो चुका है, लेकिन फिर भी लूट के भूखे नंगे टीममेट्स लूटेंगे, दोनों हाथों से लूट रहे हैं मदद से। फिर हमने जॉन भैया को थोड़ा तंग किया था कि जॉन भैया कम आ जाओ चलें, लॉल जॉन भैया हमारे थोड़े कहते भाई मैं मर गया, मेरे मुँह से नहीं, मेरा पाँव फिसल गया, मैं मर गया। अरे जॉन भैया काफ़ी सैड थे। यहाँ पे गाइस गाड़ी रोकी, यहाँ पे वहाँ से पीरैंक होने वाला है, दरवाज़ा टूटा है गेट से, और गाड़ी आ जाती है अरबियों की। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो डाउन कर दिया था गाइस, अब ने देखा कैसे दोनों साथ में आ रहे थे, लेकिन बस यहाँ हमारे साथ प्रैंक हो गया, मैं एक बंदे को डाउन किया और नहीं बच पाए हम लोग, थर्ड आए थे, लेकिन बहुत अच्छा गेम प्ले था। तो मेरा था कि आप लोगों को दिखाऊं, असल में क्या हो गया था कि दोनों ने एक साथ जुड़ के आए और वो दोनों आपको एक साथ मार रहे हैं और आप अकेले मार रहे हो, तो मैंने एक को डाउन किया दूसरे को लो किया, बट वो चार थे हम तीन थे, पहला डिसएडवांटेज, और दूसरा दो घूम के आ गए थे, तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बाकी का सब मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस के पब्लिक। और जब तक अभी ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह हमारे 8 लाख हो चुके होंगे, जल्दी से हम लोग 1 मिलियन कर लेंगे, तो उसके लिए भी प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखना अपना, जो कि बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की। 2 सीरीज़ अब हो चुके हैं जो एक्टिव हैं, एक है कालिया वाली जो आपको संडे को देखने को मिलेगी, और गाइस दूसरी है ये वाली रैंडम स्क्वाड वाली, तो दोनों को सपोर्ट दिखाना, इस वीडियो को देखेंगे जितना प्यार मिला तो उस हिसाब से दूसरी वीडियो आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।